शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। लॉकडाउन के चलते सभी कारोबार बंद है, ऐसे में शहर के टूर्स एंड ट्रेवल्स के कई सारे बसों के पहिए जगहों पर ही रुक गए हैं, जिससे कई बस ड्राइवरों के परिवारों पर भूखे रहने की नौबत आ पड़ी है। ऐसे में बीटीपी टूर्स एंड ट्रेवल्स के ड्राइवर को बिना काम किए बीटीपी मालिक द्वारा तनख्वाह दी जा रही है, लेकिन बसों के पहिए रुक जाने से प्राइवेट बस मालिकों का लाखों का नुकसान हो रहा है। लॉकडाउन के चलते हर किसी के कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। राज्य के अलग अलग शहरों में रोजाना कई यात्री एक शहर से दूसरे शहर इसी बसों में आना जाना करते थे। इन्हीं टूर्स एंड ट्रैवल बसों के माध्यम से कई ड्राइवर परिवार का गुजर बसर अच्छे से होता था, लेकिन जब से कोरोना महामारी ने नागपुर में दस्तक दी है तब से लेकर अब तक शहरों में लॉकडाउन लग चुका है। लॉकडाउन जारी किए जाने से टूर्स एंड ट्रैवल्स बसों के पहिए जगहों पर ही रुक चुके हैं। इस पहिए के साथ साथ ड्राइवर की स्टेयरिंग भी रुक चुकी है, जिससे शहर के कई ड्राइवरों में भूखे मरने की नौबत आ पड़ी है। ऐसे में उन ड्राइवरों को बिना काम किए भी एक माह की तनख्वाह बीटीपी यात्रा की ओर से दी गई है, जिससे बसों के ड्राइवरों की चिंता कुछ हद तक दूर हो गई है। लेकिन इन बसों के पहिए रुक जाने से और जगहों पर बसों के रुक जाने से बसों के मालिकों को लाखों का नुकसान हो रहा है। फिर भी कोरोना वायरस की रोकथाम करने के लिए और जन जागृति करने के लिए शहर के नागरिकों ने सरकार के आदेशों का पालन करना चाहिए, लॉकडाउन का पालन पूरी तरह से करना चाहिए, ऐसी जानकारी बीटीपी यात्रा के मालिक सिराज शेख इन्होंने दी है। लॉकडाउन के चलते सभी कारोबार जो अपने जगहों पे ही रुक गया है, ऐसे में कुछ ट्रैवल टूर्स एंड ट्रैवल्स भी है जिनके पहिए रुक चुके हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि बीटीपी की ये तकरीबन बहुत ज्यादा दर्जनों से ज्यादा ये यहाँ पे ये गाड़ियां है, जहाँ पे प्रतिदिन कई यात्री पुणे की ओर सफर करते थे, ये वही बसेस है। लेकिन जब से लॉकडाउन चला तब से पूरे यात्री भी बंद हो चुके और बसेस के पहिए भी रुक चुके। इस समय हमारे साथ में बीटीपी के संचालक सिराज भाई शेख है, उनसे जानना चाहेंगे। शेख साहब, ये बताइए कि जिस तरह से आज ये कारोबार जो पूरे बसें जो रुक गए हैं, कितना नुकसान हुआ, क्या कहना चाहेंगे लॉकडाउन को लेकर? अब नुकसान की तो कोई गिनती नहीं है। अब देखो उसके बाद चालू कब होती है और होने के बाद क्या सोशल डिस्टेंसिंग में कितने लोगों को बैठाना पड़ सकता है। पहली बात तो हम तो गवर्नमेंट से निवेदन करते हैं कि जो बसेस का टैक्सेस भरे हुए जो 3-3 महीने का एडवांस टैक्स गवर्नमेंट लेती है वो पहले माफ़ किया जाए, वो टैक्स की छूट मिले पहले। और ऐसी तो पूरी इंडस्ट्री, चाहे ट्रेन हो, बस हो, फ्लाइट हो, सभी बंद पड़ी है। हम क्या बस वालों को बोल के क्या मिलना, तो जो होगा वो तो ऊपर वाले की मर्जी के, उससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता है। सरकार है, देखो कब तक कितना सपोर्ट कर सकती है, उसकी हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं। लॉकडाउन के चलते भले बसेस के पहिए रुक चुके हैं, लेकिन लोगों के जो पहिए, कहने का तात्पर्य कि लोग पैदल बड़ी संख्या में आवागमन कर रहे हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा लॉकडाउन हुआ है करके। कैसा अब जिसके बस्ती में होता है वो थोड़ा बिचक रहा है, बाकी लोगों को लग रहा है कुछ नहीं हुआ करके, बिंदास लोग घूम रहे हैं, जिसकी जैसी मर्जी में आ रहा घूम रहे हैं, पुलिस आती है तो भाग जाते हैं अंदर, फिर वापस आते हैं। ये सब उसी का नतीजा है कि जितने क्वांटिटी में बढ़ते आ रहे। अगर सर ने जिस दिन मोदी सरकार ने पहले दिन बोली थी उस दिन से अगर पालन करते तो ये सब इतनी प्रॉब्लम में नहीं आती है। लोग उसका उल्लंघन कर रहे इसलिए इतने मरीज बढ़ते जा रहे हैं। और आज आज बसेस के ड्राइवर भी है, कई ट्रॉल्स वाले हैं जिसकी कई ड्राइवर रोजनदारी से चलते हैं, बस चलाते तो उनको रोजी मिलती है नहीं तो नहीं मिलती है। और कई पेमेंट बेस वाले हैं, हमारी बीटीपी कंपनी के 16 बसेस खड़ी हैं यहाँ पे, हमारे पास में एक बस पे 3 ड्राइवर है, मैक्सिमम ड्राइवर हमारे पास अब पेमेंट बेस वाले हैं। तो हम लोग ने तो अभी अप्रैल की पेमेंट उनको आधी दी है, बाकी मार्च महीने की हमने उनको पूरी कंप्लीट करी थी और अप्रैल की आधी दी हुई है। अब आगे देखो ऊपर वाला मर्जी है कब तक चालू होता है, तो आगे कैसा होगा देखेंगे। तो आप थे बीटीपी टूर्स एंड ट्रैवल्स पॉइंट के संचालक जनाब सिराज शेख, जिन्होंने बखूबी विभाग के साथ बात करते हुए ये तमाम घटनाओं पे एक रोशनी डाला है और ये कहा है कि किस तरह से लॉकडाउन में जो लोग चल रहे हैं उन्होंने संभलने की बेहद ज़रूरत है। और जिस प्रकार से ये जो पूरे बसों के जो ये जो बसेस के जो पहिए रुक चुके हैं, ये बसेस के पहिए आखिरकार लॉकडाउन कब हटेगा और फिर से ये बसेस कब अपने गंतव्य स्थान की ओर दौड़ेगी, ये एक देखने वाली बात होगी। नागपुर के बेसा से कैमरा पर्सन राजकुमार मोहोड़ के साथ संजय मिरे, इनबीसी न्यूज़ नागपुर।